आर्ट क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कक्षा 10 चित्रकला मॉडल पेपर के बारे में, जो 2022-23 में कुछ परिवर्तन हुआ है उसके बारे में हम जानकारी करेंगे। दिया गया है कि पूर्णांक आपका 70 नंबर का होगा और समय 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेगा। निर्देश में अपना अनुक्रमांक दिए गए ड्राइंग शीट के कवर पेज पर स्पष्ट अंकों एवं शब्दों में लिखिए तथा केंद्र व्यवस्थापक के हस्ताक्षर युक्त मोहर प्रत्येक प्रपत्र पर लगवाकर कक्ष निरीक्षक से सभी पृष्ठों पर स्पष्ट हस्ताक्षर भी करवाएं। प्रश्न पत्र काखागा और 3 खंडों में विभक्त है। तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य। काम में दिया गया है इस खंड में आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न के उत्तर देने हैं। आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से किसी भाग का चयन किया गया हो उसे ओमा सीट पर अवश्य अंकित करें। आलेखन कला के 20 प्रश्न दिए गए हैं। एक प्रश्न का कोई एक विकल्प सही है जो एक नंबर का माना जाएगा। जैसा कि पहला प्रश्न दिया गया है, मुख्य रंग कितने हैं, तो आपको पता होना चाहिए मुख्य रंग 3 हैं। इसमें शीतल ठंडा रंग कौन सा है, तो हरा रंग शीतल और ठंडा रंग माना जाता है। निम्न में से कौन सा रंग गर्म है, सबसे गर्म रंग लाल रंग माना जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, ओष्ठवार रंग चक्र में कितने रंग होते हैं, तो इसमें 8 रंग होते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में द्वितीयक रंग कौन सा है, तो आपको ये बात जानकारी होनी चाहिए जो प्राइमरी कलर होते हैं, जो प्राथमिक रंग होते हैं, उनके मेल से जो नया रंग बनता है वही सेकेंडरी कलर या द्वितीयक रंग कहलाता है। तो इसमें नारंगी रंग आपका द्वितीयक रंग है। और नीचे क्वेश्चन दिया गया है, तटस्थ रंग कौन सा है, तो इसमें सफ़ेद और काला रंग सही ऑप्शन मान लिया जाता है। अगला प्रश्न 7 नंबर में दिया गया है, प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से हैं, तो प्राइमरी कलर आपको इसमें देखना है। दिया गया है ऑप्शन में हरा, आसमानी, पीला, लाल, नीला, पीला, काला, सफ़ेद, भूरा, नारंगी, धानी और आसमानी। तो यहाँ पर प्राथमिक रंगों की श्रेणी में आते हैं लाल, नीला और पीला रंग। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर खा आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन से रंगों का माध्यम पारदर्शी होता है, तो जल रंग पारदर्शी होता है। अगला प्रश्न 9 नंबर में दिया गया है, सफ़ेद रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है, तो सफ़ेद का विरोधी काला होता है। अगला प्रश्न 10 दिया गया है, लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा, तो लाल में नीला रंग मिलाने से बैंगनी रंग बनता है। पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है, तो ये आपका नारंगी रंग बनता है। अगला प्रश्न दिया गया है, द्वितीयक रंग कितने होते हैं, तो इसमें 3 रंग द्वितीयक रंग होते हैं। आपको जानकारी के लिए हम बता दें, जो प्राइमरी कलर होते हैं इनको आपस में जब हम मिलाते हैं तो एक नया रंग बन जाता है। जैसे लाल और पीला मिलाते हैं तो नारंगी हो जाता है, पीला और नीला मिलाते हैं तो हरा रंग हो जाता है, इसी तरह से लाल और नीला मिलाते हैं तो बैंगनी हो जाता है। इस तरह से आपके 3 रंग हो जाते हैं द्वितीयक रंग। अगला प्रश्न 14 नंबर में, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं और इसमें कभी कभी रंगों का क्रम भी पूछ लिया जाता है, इसलिए आप सभी लोग ध्यान रखें रंगों का क्रम। कला शब्द किस भाषा का शब्द है, तो यह संस्कृत भाषा का शब्द है। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है, तो यहाँ पे दिया गया है 2B और HB, 2H और H। तो हम बात करते हैं कि सबसे हार्ड पेंसिल होती है H और सबसे सॉफ्ट पेंसिल होती है B। B का जैसे ही नंबर बढ़ता जाता है उस हिसाब से उसकी मोटाई बढ़ जाती है, और H का नंबर बढ़ता है तो उसकी मोटाई कम हो जाती है। इस हिसाब से इसका सही ऑप्शन 4B हो जाता है। अगला प्रश्न दिया गया, फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का उपयोग करना चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर 7 नंबर, यानी जो सबसे पतला ब्रश होगा उसी का हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है 2 नंबर, अगर 0 नंबर होता है तो वो ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं, आलेखन
के प्रकार चार होते हैं। आलेखन के प्रकार हैं प्राकृतिक आलेखन, अलंकारिक आलेखन, ज्यामितीय आलेखन और सूक्ष्म या मिश्रित आलेखन। इस तरह से आलेखन चार प्रकार के हो जाते हैं, कभी इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा। दिया गया है ऑप्शन में केंद्रीय आलेखन, कोने का आलेखन, किनारे का आलेखन, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न पूछ रहा है छत के केंद्र के लिए, तो स्पष्ट सी बात है केंद्र का आलेखन ऑप्शन सही होगा। इस तरह से यह आपके आलेखन के 20 प्रश्न पूरे होते हैं। ध्यान रखें, हम प्राविधिक कला और आलेखन से सिर्फ एक के ही 20 प्रश्नों के उत्तर देंगे और प्राविधिक कला के कुछ बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पी के चार विकल्पों में से एक सही उत्तर चुनिए। पहला प्रश्न दिया गया है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। तो यह 60 अंश का होता है, यानी का नंबर आपका सही है। संपूर्ण कोण होता है तो यह 360 अंश का होता है, इसका भी का नंबर सही है। समकोण कितने अंश का होता है तो यह 90 अंश का होता है, इसमें भी का नंबर सही है। अगला प्रश्न दिया गया है, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। तो 90 अंश का होता है, इसमें भी आपका का नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग होता है, तो इसमें 360 अंश का होता है, यानी का नंबर आपका सही है। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है। तो 2B से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है। अगला प्रश्न दिया गया है, वर्ग की चारों भुजाओं की माप क्या होती है। तो इसका भी का ऑप्शन सही है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, मापने में पहले बड़े मुख्य भाग लिखा जाता है, जो आपकी पटरी होती है उसका सबसे पहले से हम जीरो से एक नंबर होता है, तो इसका का ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न दिया गया है, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, का ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, वृत्त का आकार कैसा होता है। तो इसका भी का ऑप्शन सही है, गोल होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, इनमें से कौन सा आकार आयताकार है। तो इसका ग नंबर सही है। अगला प्रश्न दिया गया है, इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है। इसका ऑप्शन का सही है। 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, रेखा किसे कहते हैं। तो दो बिंदुओं की बीच की दूरी को रेखा कहते हैं, यानी का ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन एक अधिक कोण है। तो इसका का ऑप्शन सही है, 90 अंश से बड़ा लेकिन 180 अंश से कम। अगला प्रश्न दिया गया है, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो इसका का ऑप्शन सही है, इसके तीनों भुजाओं के अंतः कोण बराबर होते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं। तो का ऑप्शन सही है, सरल कोण या रिज कोण कहते हैं। 17 नंबर प्रश्न में दिया गया है, वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसे वर्ग कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर का सही है। 18 नंबर प्रश्न में दिया गया है, एक डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, ऑप्शन नंबर का सही है। अगला प्रश्न दिया गया है, एक मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। तो एक मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर एक सही है। लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, कौन सी पेंसिल से बनी रेखाएं हल्की होती हैं। तो 2H से खींची गई रेखा हल्की होती है। आपको एक बात ध्यान रखना है, पेंसिल दो तरह की होती है, H और B। H में जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाता है, जैसे 1H लिखा हुआ है, 2H लिखा है या 4H, तो वो हल्की होती जाएगी जैसे जैसे नंबर बढ़ जाएंगे। और B में जैसे नंबर बढ़ते हैं तो सॉफ्ट और डार्क होती जाती है।
तो इसका ऑप्शन नंबर ग सही है, 2H। खंड का में 20 प्रश्न बहुविकल्पी थे और खंड का से आपको चित्रण करना है। खंड खा में दिया गया है प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से केवल एक का ही चित्रण करना है। प्राकृतिक दृश्य चित्रण दिए गए ड्राइंग शीट पर 22x18 सेंटीमीटर के आयत में ग्रामीण सूर्योदय का दृश्य चित्रण कीजिए। खेत की ओर जाते हुए किसान का चित्र तथा आकाश में कुछ पक्षी, गांव की झोपड़ियां तथा कुएं के पास घास चरती एक गाय का चित्रण बनाइए। चित्रांकन में वाटर कलर या पेस्टल रंगों का प्रयोग करें। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। कुछ अंक दिए गए हैं, सही संरचना एवं परिपेक्ष 10 अंक मिलते हैं इसके, संयोजन 5 अंक हैं, सुसंगत रंगों का चयन एवं प्रयोग 10 अंक, आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव 5 अंक। इसी खंड का अथवा दिया गया है आलेखन। दिए गए ड्राइंग शीट पर 16x12 सेंटीमीटर के आयत में खिड़की के पर्दे के लिए एक इकाई वाला लयबद्ध आलेखन चित्रित कीजिए, जिसमें किसी भारतीय पुष्प कलियों एवं पत्तियों का सुंदर संयोजन हो, आलेखन में मछली का लयपूर्ण संयोजन हो तथा रंग योजना उत्तम हो। आलेखन में कम से कम 3 संगत वाले जल रंगों का प्रयोग कीजिए। आलेखन में निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान दीजिए, इकाई की मौलिकता 10 अंक, लयात्मक रेखाएं 5 अंक, उत्तम रंग संगत 10 अंक, आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव 5 अंक। इसी खंड खा का अथवा दिया गया है प्राविधिक कला, जिसके 30 अंक हैं। निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर दीजिए, सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। रचना में निर्दिष्ट रेखाएं, रचनात्मक रेखाएं एवं अभीष्ट रेखाएं स्पष्ट हों। रचना में रचनात्मक रेखाएं ना मिटाएं। रफ कार्य श्वेत फुल स्केप पेपर पर कीजिए, इसे भी अपने उत्तर पत्र के साथ संलग्न कर दीजिए। 2 असमान वृत्त का और खा की अनुस्पर्शी बाहरी अभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींचिए। इसी का खंड खा दिया गया है। एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर हैं, के अंतर्गत एक वृत्त की रचना कीजिए जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करे। इसी का गा नंबर दिया गया है। एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाइए जिसका प्रत्येक आधार कोण 50 अंश का हो। इसके अंतर्गत एक अर्धवृत्त की रचना कीजिए। इसी का घा नंबर दिया गया है। किसी चतुर्भुज का खा गा घा के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज की रचना कीजिए। अगला खंड दिया गया है अंगा नंबर 1। मापनी खींचिए जिसमें 2.5 सेंटीमीटर 1 मीटर की दूरी प्रदर्शित करती है एवं जिसमें मीटर तथा डेसीमीटर पढ़े जा सकें। मापनी का निरूपक भिन्न ज्ञात कीजिए। मापनी पर 3 मीटर 6 डेसीमीटर की दूरी प्रदर्शित कीजिए। और खंड गा स्मृति चित्रण सभी के लिए अनिवार्य है। इस प्रश्न के 2 भाग हैं, का तथा खा दोनों ही भागों के चित्र बनाने हैं, जिसके अंक 10-20 अंक होते हैं। खंड का में दिया गया है निम्न में से एक स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए, चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। पत्तियों सहित आम, अनार, पत्तियों सहित मूली और लौकी। चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान रखें, रेखा आकृति की अनुरूपता, जिसके हैं। इसी का खंड खा दिया गया है। निम्न में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए, चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। जैसे दिया गया है सुराज, खुला छाता, कफ और प्लेट, जग। चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना है, रेखा षष्ठ हो, 4 अंक, आकृति के अनुरूपता 6 अंक। दोस्तों, यह 2023 में होने वाले हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम का मॉडल पेपर है। आप सभी लोग इसको देखें और समझें और अपनी तैयारी करें। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें और इस चैनल के माध्यम से आपको आर्ट की क्लास मिलती रही। अगर आप
चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।